तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइव गुरु चैनल में। मेरा नाम है प्रकुल और फिलहाल अगर हम इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों पर ही तलवार लटक रही है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें मेन दो टीम्स की तो वो होंगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस। दोनों ही टीम्स के एक एक मुकाबले बचे हुए हैं, पॉइंट्स भी सिमिलर हैं 14। अब ऐसे में आरसीबी ने तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराया ऑल थैंक्स टू विराट कोहली एंड हिज सेंचुरी, लेकिन अब मुंबई इंडियंस की बारी है क्योंकि यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर मुंबई अर्जित कर सकती है 16 पॉइंट और वो आ सकती है सीधे टॉप 4 में। जब बात होगी नेट रन रेट की तो वहां पर मामला थोड़ा पेचीदा पड़ सकता है, लेकिन हाल फिलहाल जो हमारा अपकमिंग कॉन्टेस्ट है मुंबई बनाम हैदराबाद ये अहम है और इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, तो इसे पूरा जरूर देखें क्योंकि यहां पर न सिर्फ इन्फॉर्मेशन बल्कि इंस्टेंट कैश प्राइस जीतने का भी मौका आपके पास है विद आईपीएल पोनेंजा। भाई मैं पूछूंगा आपसे इस वीडियो में 3 सवाल जिसके अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं कैश प्राइस। तो फटाफट से इस वीडियो को देखिए, एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़िए और इंस्टेंट कैश प्राइस पाइए। अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं वेन्यू एनालिसिस के साथ। 6 मैचेस वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा चुके हैं, 2 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं तो वहीं 4 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करने वाली टीम का रहता है 197 रन। यहां पर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो वो है मुंबई का 218 रन 5 विकेट पर, और लोएस्ट स्कोर भी कोइंसिडेंटली मुंबई इंडियंस का है 157 रन फॉर 8 विकेट्स। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर हमें इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है कि बैटर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है ये ट्रैक। पहले मुकाबले में 157 रन बने थे, उसके बाद सभी हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं 185, 214, 212 रन, लेकिन यहां पर मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज करी थी और 214 रन ठोके थे अगेंस्ट पंजाब किंग्स। अगेन 199 रन बनाए जाते हैं और पिछले मुकाबले में 218 रन जो कि हाईएस्ट स्कोर है सीजन का वो बनाया गया था बाय मुंबई इंडियंस। तो ये है पूरा स्कोरिंग पैटर्न। बॉलर्स के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर 69 विकेट छटकाए जा चुके हैं अभी तक 38 विकेट स्पेसर्स ने, तो वहीं 31 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे। अब इन सभी स्टैट्स को देखते हुए अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें और उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, सक्सेसफुल बल्लेबाज नो डाउट यहां पर रहे हैं सूर्य कुमार यादव जिन्होंने 342 रन बना लिए हैं, 2-3 हाफ सेंचुरी है और 1 सेंचुरी है इस दौरान इस ट्रैक पर इस सीजन में। वहीं अगर हम सक्सेसफुल बॉलर की बात करें तो एक नाम आता है वो है पीयूष चावला। इनके बाद दोस्तों जेसन बेरेंडोर्फ ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है वानखेड़े के ट्रैक पर। तो ये है पूरा लेखा जोखा वेन्यू एनालिसिस का। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की। टोटल अगर हम देखें तो 20 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच खेले गए हैं, मुंबई ने 11 मुकाबले जीते हैं तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 मैचेस अपने नाम करे। लास्ट 5 मैचेस की तरफ अगर हम रुख करें तो 3 मैचेस मुंबई इंडियंस ने जीते हैं और 2 मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते हैं। अभी तक के सफर पर अगर हम नजर डालते हैं तो मुंबई इंडियंस का डेफिनेटली अपर हैंड नजर आता है। इसी के साथ आईपीएल बोनांजा का सवाल भी आ जाता है। पहला सवाल आपके लिए कि भाई इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम आखिर पावर प्ले में कितने रन बनाएगी, ये आपका पहला सवाल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों टीम्स की और उसी के बीच आपसे पूछे जाएंगे दो और आईपीएल बोनांजा के सवाल जिसके जवाब देने आपको जरूरी है। चलिए पहले मुंबई इंडियंस पर नजर डालते हैं। ईशान किशन, रोहित शर्मा, कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, ये हैं वो 4 बल्लेबाज जिन पर रहने वाला है दारोमदार। भाई रोहित शर्मा नो डाउट इस सीजन में कुछ खास प्रदर्शन करते नजर नहीं आए, 1-2 मुकाबलों में उन्होंने 40 प्लस का स्कोर किया है, बट ईशान किशन एंड सूर्य कुमार यादव आर दीज प्लेयर्स जो कि वानखेड़े के ट्रैक पर हाल फिलहाल अच्छे रन स्कोर कर रहे हैं। ईशान ने अगर हम देखें तो 13 मैचेस में 425 रन बनाए हैं, वहीं सूर्य कुमार यादव ने 13 मैचेस में 486 रन बना लिए, वहीं कैमरून ग्रीन ने 281 रन बनाए हैं और 6 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। तो एज एन ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। इनके अलावा दोस्तों हमें मिडिल ऑर्डर में अगर हम लाइनअप पर नजर डालें तो निहाल मदेरा और टिम डेविड भी मिलते हैं जिन्होंने 1-2 मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। टिम डेविड कम गेंदों में ज्यादा रन बना रहे हैं, 25-30 रन बना देते हैं जो कि टीम के लिए कारगर साबित होता है। वहीं अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो क्रिस जॉर्डन इस बार कारगर साबित नहीं हुए, वहीं पीयूष चावला, जेसन बेरेंडोर्फ और कहीं ना कहीं कुमार कार्तिकेयन, ये 3 ऐसे गेंदबाज हैं जिन पर आपकी रहनी चाहिए नजर। पीयूष चावला एज आई हैव सेड 13 मैचेस में 20 विकेट ले चुके हैं, इस ट्रैक पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं जेसन बेरेंडोर्फ 9 मैचेस में 14 विकेट अपने खाते में जोड़ चुके हैं और कुमार कार्तिकेयन भी 1-2 मुकाबलों में 5-6 विकेट लेने में सक्सेसफुल रहे हैं इन रीसेंट मैचेस।
तो दोस्तों ये होती है बात मुंबई इंडियंस की, और इसी के साथ आईपीएल को नजर का दूसरा सवाल आ जाता है कि भाई मुंबई इंडियंस की ओर से दोस्तों सबसे ज्यादा विकेट कौन सा गेंदबाज लेगा, क्या होंगे वो जेसन पेरेंडोर या फिर पीयूष चावला या फिर कोई और गेंदबाज, जवाब जरूर दीजिएगा लेकिन तीसरे सवाल के बाद। पहले हम बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। भाई दोस्तों हैदराबाद की टीम मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीएल में लाई गई है कि वो दूसरी टीम के लिए मदद कर सके और दो और पॉइंट्स अर्जित करा सके, लेकिन ये आखिरी मुकाबला है और देखना होगा दिलचस्प कि भाई क्या सनराइजर्स हैदराबाद यहां पर अपना आखिरी मैच एक अच्छी यादों के साथ खत्म कर पाएगी या नहीं, क्योंकि लाइनअप पे नजर डालें तो कोई बहुत बड़ा इंडियन प्लेयर नजर आता नहीं है। अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी तो यंग बल्लेबाज पर टीम डिपेंड करती है, वहीं एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन तो ऐसे उमदा बल्लेबाज है, इंटरनेशनल बैटर्स हैं जो कि कारगर साबित हो सकते हैं। यहां पर हेनरिक क्लासन 11 मैचेस में 430 रन, वहीं एडन मार्करम ने 12 मैचेस में 235 रन बनाए। राहुल त्रिपाठी ने किसी न किसी मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करी है, 13 मैचेस में 273 रन इनके खाते में। अब अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो यहां पर दोस्तों भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे और मार्को जेनसन लाइनअप में ये तीन ऐसे गेंदबाज हैं जो कि आपके लिए भी कारगर साबित हो सकते हैं। भुवनेश्वर ने 13 मैचेस में 15 विकेट निकाले हैं, मयंक मार्कंडे ने 10 मैचेस में 12 विकेट, तो मार्को जेनसन ने 8 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं। ये हैं वो कुछ गेंदबाज बल्लेबाज जो कि एसआरएच की तरफ से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ओवरऑल जिन प्लेयर्स के हमने आपको स्टैट्स शेयर करे हैं ये वो खिलाड़ी हैं जो कि आपकी फैंटेसी टीम का भी हिस्सा हो सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक बेहतर टीम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़े होंगे। फिलहाल फाइनल कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए यह मैच डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जीतने की भी पूरी कोशिश करेंगे, और हाल फिलहाल अपर हैंड भी मुंबई का नजर आता है। लेकिन इसी के साथ आईपीएल बोनांजा का क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है कि भाई इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा, यह है आपके आईपीएल बोनांजा का तीसरा और आखिरी सवाल। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवाल और सभी क्वेरीज इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं, आप एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम, जल्द हाजिर हूंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ, मैचेस के एनालिसिस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन थ्रू।